नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सरकारी अधिकारियों पर काम को लेकर लगातार दबाव बनाने के लिए जब बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो लगातार सपा पर निशाना साधा करते थी और अब बीजेपी नेता उसी ढर्रे पर चलते दिख रहे हैं। मामला वन विभाग का है, जहां मिट्टी के खनन में एनओसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश वाजपेयी ने वन प्रभार कार्यालय में अपने साथियों के साथ धावा बोल दिया, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। प्रभागीय निदेशक की माने तो जिलाध्यक्ष ने कर्मचारियों के साथ अभद्रता और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए चार दिनों के अंदर परिणाम भुगतने की धमकी देकर चले गए। प्रभागीय निदेशक ने इस मामले में आला अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी भी दे दी है। बता दें कि सामाजिक वानिकी वन प्रभार कार्यालय में बिंदकी तहसील क्षेत्र से चंदीपुर मजरे करणपुर गांव के अजीत सिंह ने गाटा संख्या 387 व 274 में पीली मिट्टी बलुई मिट्टी के खनन को लेकर वन विभाग से एनओसी मांगी थी, जिसको लेकर प्रभागीय निदेशक सीपीएस मालिक ने शासनादेश का हवाला देते हुए अनुमति न देने की बात कही। प्रभागीय निदेशक की माने तो इसी बात को लेकर दोपहर बीजेपी जिलाध्यक्ष अपने साथियों के साथ कार्यालय में आ गए और एनओसी दिए जाने की मांग को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान मौजूद कर्मचारियों के साथ उन्होंने अभद्रता और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी किया। इसके साथ ही चार दिन के अंदर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। जी बता। हाँ सर, क्या घटनाक्रम है, क्या कौन आए थे, किस चीज़ का दबाव बना था, क्या घटनाक्रम हुआ सर? आज बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्री दिनेश वाजपेयी जी आए थे जी। और उनके साथ एक लोहा सिंह यादव नाम का व्यक्ति था जी, जो करणपुर गांव में खनन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दबाव बनाए थे जी। हमने उनको बताया कि भाई शासन की मंशा के अनुरूप हम गलत कार्य नहीं कर पाएंगे और जो शासनादेश बोलता है उसके अनुरूप मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा जी। और इसी प्रकरण की रिपोर्ट मैंने पूर्व में भी दिया हूँ और उसमें अनापत्ति निर्गत नहीं की जा सकती, इसका उल्लेख करके मैंने निरस्त कर दिया जी। अब वो दोबारा से दबाव बनाने के लिए अध्यक्ष जी को साथ लेकर आए और जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाई कल तक ये नहीं करोगे आप तो चार दिन में इसका परिणाम भुगतने को आप तैयार हैं। धमकी दिया। हाँ, इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी अलग नहीं, मैंने अपने उच्च स्तर पर समस्त अधिकारियों को लिखा हूँ, डीएम साहब को लिखा हूँ, अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हमारे लखनऊ उनको लिखा हूँ, अपने मंडल स्तरीय अधिकारियों को और एसपी साहब को तहरीर दिया आपने? तहरीर नहीं, एक रिपोर्ट दी डिपार्टमेंट। हाँ, अभी एक पत्र लिखा हूँ मैं और आवश्यकता जैसी पड़ेगी वो किया जाएगा। इससे पहले भी फोन करके धमकी दिए हैं क्या? नहीं, फोन पर कभी धमकी नहीं दिया। फोन पर उन्होंने यही कहा कि ये कार्य होना है और आप इसको करिए, तो हमने कहा अध्यक्ष जी इसको मैं विधि सम्मत होगा तो जरूर करूंगा, मैं देख लेता हूँ, दोबारा परीक्षण करता हूँ कागज का, तो वो चूंकि होने योग्य नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाया उसको जी। ये इसलिए आज ये घटना, धमकी देते चले गए कि कल तक अगर ये नहीं किया आपने तो चार दिन में इसको हम आप इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है, ये बोल कर वो चले गए। बाहर गाली गलौज भी किया? क्या बाहर किया है? कानून का एक आवेदन था जिसका निस्तारण पहले किया जा चुका था, उसी को करने के लिए नाजायज तौर पर दबाव डाला जा रहा। कौन दबाव डाल रहे? दबाव डालने वाले यहाँ पर वाजपेयी जी जिला अध्यक्ष भाजपा के लिए क्या कह रहे थे? उनका यही कहना था कि अभी आप करिए इस काम के लिए तुरंत जो है इस काम को। क्या गलत है जिस पे वो काम करने के लिए दबाव बना रहे हैं? काम गलत है, कैंसिल किया जा चुका है, गलत था इसलिए नहीं हो पाया। फिर क्या कहा उन्होंने? यहाँ धमकी दी रही है सर? हाँ, जिसे आपको धमकाया जो है कि अगर आप चार दिन में नहीं करते हैं तो आपको परिणाम भुगतना होगा। आगे आप लोगों को उनसे कुछ डर है ऐसा, आप लोग आगे कहीं स्टैंड करेंगे? हम इस तरह की स्थिति रहेगी तो काम करने में दिक्कत आ रही है। आगे कुछ आंदोलन वगैरह ऐसा कुछ करेगा विभाग की तरफ से? विभाग का भी कुछ निश्चित नहीं किया है, आगे देखा जाएगा।